Hey, what's up guys? Welcome back to our new blog, बागी बलिया शोर्स। दोस्तों आप सबको पता है कि मैं हर बार हर साल बलिया के सारे फेस्टिवल को कवर करता हूँ। अभी हाल ही में मैंने बार रविवल में बलिया मनाया गया रविवल को कवर किया था, अगर नहीं देखे देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ हमारे हिंदू भाइयों के कई सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली। तो अभी पूरे बलिया को सजाया गया है नवरात्रि के मौके पर, तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हमारे साथ है हमारे छोटे ब्लॉगर, जो कि देखिए इनका फेवरेट बाइक अभी बुलेट का सवारी कर रहे हैं। अभी इसके साथ मैं इस ब्लॉग को शूट करने वाला हूँ, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आने वाला है ना मज़ा? यस। तो पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा इस ब्लॉग में और बहुत मज़ा आएगा सच में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली गाइज आ गए हम चौक के अंदर और यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि नवरात्रि कम और दिवाली ज़्यादा आ गई है। तो चलिए फिर, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं जो कि आगे आपको बहुत कुछ देखना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए दिखाते हैं, उससे पहले ये देख सकते हैं, इस छोटे ब्लॉगर की वजह से पता चला कि आज बलिया में इतना अच्छे डेकोरेशन हुए, क्योंकि मुझे तो आइडिया ही नहीं था इसका। और दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन दिखाऊंगा और जो भी पंडाल वो दिखाऊंगा, पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होता है, इसमें क्या क्या होता है, ताकि मैं आगे जब ब्लॉग बनाऊँ तो उसको डिटेल में बता सकूँ। तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ है कि आप लोग कमेंट में पूरे डिटेल मुझे समझाइए, ठीक है? तो चलिए फिर आगे चल के मैं इस पंडाल को दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस वीडियो में कम से कम 10 जगह एक्सप्लोर किया है और सबसे यूनिक ये पंडाल मुझे दिखा है। इसमें यूनिक मैं इसलिए कह रहा हूँ, चलिए आपको करीब से ही दिखाता हूँ कि मैं यूनिक क्यों कह रहा हूँ। और गाइस इसका जो लाइटिंग सिस्टम है बहुत ही खूबसूरत है, सिंपल है पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और हाँ, मैं फाइनली इसको क्यों यूनिक कह रहा था, ये देखिए पूरी की पूरी बम्बू से बनाया गया है। जितने भी इसमें आप पार्ट देख सकते हैं अंदर से, मैं देखिए ये सारे के सारे जैसे वो बनता है ना लकड़ी का हर एक चीज़। और मुझे एक डिफरेंस दिख रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कहीं कहीं जो दुर्गा जी है उनका फेस रिवील है और कहीं कहीं ढका हुआ है, तो इसका मतलब क्या, आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे उतना सब आइडिया नहीं है, तो आप ही लोग हैं जो मुझे समझा सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर चल के दिखाते हैं, देख के चलिएगा, गाड़ियों से बच के, ट्रैफिक देख के भाई। चलो चलो, तुम बहुत समझदार हो। तो गाइस देख सकते हैं ये आरिश आपको एक्सप्लोर कराएगा आज बिश्नीपुर में, काफ़ी फेवरेट जगह है तुम्हारा, है ना? चलो फिर देखते हैं, घूमते हैं। तो देखिए यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, आगे की गेट काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और यहाँ से हम अगर एंट्री लेते हैं तो चलिए एक और पंडाल हमें मिल गया है स्पॉट, चल के आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। और बहुत ही खूबसूरत एक ही तरह का सजावट है और ये काफ़ी एक्साइटेड है हमारे छोटा ब्लॉगर। तो आगे फ्यूचर में आप इसकी भी ब्लॉगिंग देखने वाले हैं बहुत जल्द। मज़ा आ रहा है घूम के? बहुत। चलो फिर घुमाते हैं। चलिए। तो ये देख सकते हैं, अगर आगे और भी ब्लॉग चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर कोई जगह छूट जाता है हमसे, क्योंकि हम पूछ पूछ के जो भी जगह मिल रहा है हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अगर कोई जगह छूटता है, अगर आप उस एरिया से हैं तो, अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है? अगले दिन हम उसको भी कवर कर लेंगे। चलिए फिलहाल इस जगह का व्यू देखते हैं। और हर जगह का पंडाल अलग ही तरह से सजाया गया है, ये देख सकते हैं इसका नज़ारे। तो बलिया में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी फेमस है ये फेस्टिवल यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये पंडाल, देख के नहीं लग रहा है कि आर्टिफिशियल ये पंडाल सजाया गया है, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक फ़ोटो लेना बनता है यहाँ से, चलिए फिर अंदर चल के दिखाता हूँ। तो चलिए कभी घुमा देते हैं भाई। तो यहाँ देखिए ये सब कितना खूबसूरत बलिया को सजा दिया गया है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है दशहरे का। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तरह तरह के ये सब, ये लोकेशन है हमारा ब्रिज जहाँ से स्टार्ट होता है।
तो गाइज आपको बलिया के कोने कोने में आपको पंडाल देखने को मिलेंगे, सजावटें देखने को मिलेंगी। और मैंने भी इस ब्लॉग में बहुत सारे पंडाल को कवर किया है, पर ये पंडाल सिर्फ पंडाल ही नहीं, अपने आप में एक बहुत ही विशाल मंदिर है जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए हर साल जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस मंदिर का नाम क्या है। और एक आपसे सवाल है कि ये मतलब इनके बारे में बताइए फिर, ये कौन है। और इसी के साथ मैं आपको आगे ले चलूँगा, एक्सप्लोर कराऊँगा। तब तक आप लोग कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है। तो गाइस चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लाइटें लगी हुई हैं ये कहाँ तक जा रही हैं हमें लेकर के, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी ये सब लाइट को अभी देखिए ऊपर ही बांध करके रखा हुआ है, अगर इसको खोल दिया जाएगा तो पूरे नीचे तक ये सारे लाइट्स लगेंगे तो और खूबसूरत लगेगा। तो ये है हमारी बलिया की कुछ रात के नज़ारे। और आप सभी भाइयों को दशहरे की ढेर शुभकामनाएं, वीडियो में बने रहिएगा, चलिए घूमते हैं बलिया को। तो गाइस अभी हम लोग हैं चिंटू पांडे चौराहा, और आइए आपको ले चलते हैं स्टेशन साइड, इधर देखते हैं कि इधर कैसे पंडाल लगे हैं और कैसे सजावट हुई है। तो हम आज रात यही जायजा लेने वाले हैं, चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर एक हमें दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेन रोड पर ही सजाया गया है, तो ये कुछ इस तरह से है। चलिए आपको इधर से एंट्री लेते हैं और दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे काफ़ी सारे माहौल हैं अलग अलग, ये देखिए ये सब भी सेल्फी वाले यंत्र लगाए गए हैं। और बलिया की महावीरी नवयुवक बाल कमेटी वाले ये सब सेट तैयार किए हैं, और ये देखिए ये इनका सेटअप है। आइए आपको और करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी एक्साइटेड है छोटे बच्चे, और यहाँ तक चप्पल पहन के आ सकते हो। तो यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर के नज़ारे। तो गाइस ये आप देख सकते हैं रात में लगातार काम चल रहा है, और यहाँ पे एक चाय की दुकान हुआ करती थी जो कि अभी गायब हो चुकी है। गायब नहीं मतलब थोड़ी सी वो उधर खसक गई है रेलवे स्टेशन के अंदर। और ये दुकान वाले देखिए करकट का इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्प्रोरी रास्ता, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नाला बनाया जा रहा है और यहाँ तक हाईवे हो जाएगा, तो हाईवे का एक्सटेंड होने को है बहुत जल्द। और दोनों तरफ की दुकानों को हटा दिया गया है जो रास्ते में आ रही थे। तो ये एक छोटा सा अपडेट जो कि आने वाले ब्लॉग्स में आपको पूरी तरह से दिखेगा। और इधर मैं चल के दिखाऊँ, देखिए ये रोड को उजाड़ दिया गया है पूरी तरह से, देखिए ये है बलिया के आगे के नज़ारे। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस लोकेशन तो सारे लोग वाकिफ़ होंगे, और इसी के आगे मैं आपको दिखाऊं। तो ये चल के रुकिए चल के दिखाता हूँ करीब से। तो यहाँ के ट्रैफिक को क्रॉस करके मैं इधर आ रहा हूँ, तो ये देखिए तो यहाँ के कुछ अपडेट्स आने वाले ब्लॉग में डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब ब्लॉग आएगा तो आपको ढूंढना ना पड़े, आसानी से मिल जाए। चलिए फिर चलते हैं एक नए लोकेशन पर। तो गाइस हम हैं अभी पानी टंकी चौराहे पे, और चल के यहाँ पे आपको नज़ारे दिखाते हैं कुछ। फिलहाल तो हम लोग आ गए हैं एकदम से मार्केट के बीचों बीच, और यहाँ पे सिर्फ पंडाल ही नहीं बल्कि दुकानों को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि अब आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये देख सकते हैं यही ये बहुत बड़ा एक शॉप है जिसमें शादी से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती हैं। और फाइनली आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बता दूं कि आने वाले ब्लॉग में बलिया में एक बहुत ही खूबसूरत आपको मेला दिखाने वाला हूं, जिसमें डांडिया गरबा जैसे आपको डांस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बस मिस मत करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले ब्लॉग्स पहले ही पता चल जाए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो पूजा भी शुरू हो गई है, लोग पूजा कर रहे हैं बहुत ही सही से। और ये पूरे ये पंडाल मेन रोड बनाया गया है, और ये लोकेशन है आपका जो मंजीत की शॉप है उसके जस्ट पास। और अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये दोनों तरह से ये एक ऐसा पंडाल है क्योंकि ये रोड पे है, तो इसलिए यहाँ पे दो साइड से रास्ते बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रास्ते बनाए गए हैं। बाकी सारे पंडालों में हम देख रहे हैं कि एक ही रास्ते हैं आने जाने के लिए, पर यहाँ पे आपको दो ही देखने को मिलेंगे। और ये देखिए
दुकानें भी बहुत ही अच्छे सजाए गए हैं। तो ये है बलिया में हर एक फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है बिना किसी आपत्तिजनक वाले कामों से। तो चलिए गाइस, यहाँ पे तो मैं एक्सप्लोर कर लिया, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे कई सारे पंडाल को लगाया जाता है। तो जैसे ये ख़त्म होता है एक और पंडाल शुरू होता है, और ये पंडाल मतलब सबसे हटके सबसे यूनिक है। तो चलिए फिर देर किए बिना मैं आपको दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था ये चीज़ देखने के लिए। काफ़ी डिटेल से ये बनाया गया है, काफ़ी इसमें रियलिटी को प्रेजेंट किया गया है। चलिए थोड़ा करीब से देखते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किस टाइप का पंडाल है और इसमें क्या मतलब दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ऊपर जो भी आप देख रहे हैं कोई तो मैसेज दिया जा रहा है इस पंडाल के थ्रू। तो देखिए काफ़ी नेचुरल जैसा दिख रहा है, और ये देखिए ये एक रास्ते बनाए गए हैं आने जाने के लिए। कितना ज़्यादा लाइटिंग अच्छी है इसमें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों आने वाले ब्लॉग्स में और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा ये सब, तो बहुत मज़ा आएगा। बस अगर आप चाहते हो तो कमेंट करिए, मैं वो भी लेके आऊँगा, और गरबा डांस जो वो भी होने वाला है वो सबको भी मैं आपको दिखा दूँगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो ये देखिए मैं अभी चौक के अंदर एकदम से अंदर आ गया हूँ, मतलब बलिया के इतने अंदर आ गया हूँ मुझे भी नहीं पता है मैं किस एरिया में हूँ। अगर आप इस एरिया का नाम जानते हैं, इस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमें, और इस एरिया का नाम बताइएगा। मुझे इतना पता है कि मैं चौक से अंदर आया हूँ, पर कहाँ पे हूँ मुझे खुद आइडिया नहीं है। और हर जगह एक ही तरह के आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत लाइट से बनाया हुआ रास्ता और उसके आगे एक खूबसूरत पंडाल। तो ये पंडाल कुछ इस तरह है, और यहाँ जो गॉड है इनके देखिए फेस को ढका हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग बताइएगा कि कहीं कहीं फेस रिवील है, कहीं कहीं ढका हुआ है, और इस फेस्टिवल के बारे में हमें एक्सप्लेन करके बताइएगा क्या है, कैसे मनाया जाता है। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आसानी से भी बनाऊंगा। बहुत जल्द मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए। सी यू, टेक केयर।